हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कांठी गांव में 27 जनवरी 1861 को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे। वो उनकी माता मरियम भी मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की पुत्री थी। वे जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे अरबस्तान के बाशिंदे थे। इन्हीं में से उनके वालिद कामकाज के लिए कांठी आए और नौकरी मिलने पर कांठी में ही बस गए। बाबा जब 1 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन 9 साल की उम्र पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी। नानी ने इन्हें पाल पोसकर बड़ा किया और कामठी स्थित मदरसे में तालीम हेतु भेज दिया। उन दिनों कामठी में हजरत अब्दुल्ला शाह नामक पहुंचे हुए फकीर रहते थे। एक दिन जब वो मदरसे में आए, उनकी नजर इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है, ये तो अव्वल है, ये सब कुछ सीख कर आया। इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकाला और आधा खुद चबाया और बचा हुआ बालक ताजुद्दीन के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो, कम बोलो और कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन बाबा में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और तब से उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीजों में उनकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई। जब वो 18 साल के थे तब कामठी में बहने वाली कना नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर की काफी क्षति हुई। 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर के रेजिमेंट 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वहीं वीरान क्षेत्र में तशरीफ फरमा रहे संत हजरत दाऊद से हुई और वहीं दिनों में नौकरी के बाद पूरी रात वो भजन में गुजारने लगे। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बाबा साहब की जिंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी औजारों की देखरेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे बाबा साहब पहरा दे रहे थे। अंग्रेज कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गए। मुआयने के बाद जब वो वापस होने लगे, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखते हैं कि जिस सिपाही को पहरा देते हुए देख रहे थे वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आया, वापस आकर चेक किया तो वो वहीं देखरेख करते हुए पाए गए औजारों को। दूसरे रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब को तलब किया और कहा, हमने तुमको रात 2-2 जगह देखा, हमको लगता है कि तुम खुदा का कोई खास बंदा है। ये बात सुनकर बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया, बाबा ताजुद्दीन अपनी अलमस्त हालत में फौजी अफसर के सामने जा धमके और उनके हाथों में नौकरी का इस्तीफा दे दिया और गली कूचों की खाक छानते फिरे। जब उनकी नानी को पता चला तो उन्हें सागर में ढूंढने देखा कि वो तो ऐसे ही हर गलियों में घूम रहे, तो उन्हें उठाया और कामठी ले आए। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। वो कुछ लोगों ने जब उनका नाजायज फायदा उठाने की सोची तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो पागल खाने जाए। उन्होंने अगले दिन कामठी के यूरोपियन क्लब के समक्ष नंगे बदन घूमना शुरू कर दिया तो अंग्रेज औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया, जो उन्हें पकड़ कर ले गई। 26 अगस्त 1892 को कामठी के कंटोनमेंट वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें रखा गया और उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। पागलखाने में बंद किए जाने के बाद भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों और गलियों पर घूमते नजर आते थे। हजारों चमत्कार दिखाए उन्होंने। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराज श्रीमंत राजा बहादुर राधोजी राव भोसले की कोशिश से बाबा पागलखाने से रिहा होकर राजा के शाही महल सकरतरा के सामने बनी लाल कोठी में ठहराए गए, जहां स्वयं राजा सुबह शाम उनको हाजिरी देते थे और सारा रिसाल नौकर चाकर उनकी खिदमत में रहते थे। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिष्यों के यहाँ रहे। धीरे धीरे बाबा की सेहत नासाज होने लगी और 67 साल की उम्र में 17 अगस्त 1925 को सकरतरा में उनकी आत्मा चोले को छोड़कर चल बसी। उनका अंतिम संस्कार ताजबाग में कराया गया। वहीं उनकी समाधि बाबा की मजार पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। बाबा के अकीदतमंद दूर दराज से आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं। इस साल 100 साल इस उर्स के पूरे हुए हैं।